दिस टॉपिक इज अबाउट बैंकिंग सिस्टम, दैट हाउ अ बैंक सिस्टम, अ बैंकिंग सिस्टम वर्क. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस. अच्छा, इस टॉपिक में बहुत ऐसी चीजें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. जो इम्पोर्टेंट होंगी आई बी फोकसिंग मोर ऑन दैट. ठीक है, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो काम में आते हैं. ठीक है, सही ओके. अच्छा, बैंकिंग सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है. रिसिप्ट्स हैव टू बी वेल कंट्रोल एंड टू इंश्योर अ गुड कैश फ्लो. देर आर की थ्री की फीचर्स ऑफ कंट्रोल. फर्स्ट इज बैंकिंग, सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिसिप्ट है, ठीक है, या आपके पास कैश अवेलेबल है, तो आप वो फौरन जाके जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे. हमारे पास स्लिप्स होती हैं जिसमें हम जो स्लिप्स यूज करते हैं, पे स्लिप बेसिकली, जिससे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, राइट. अब क्या होता है, वो स्लिप हमारे पास एक रिकॉर्ड हमारे पास सेफली हमें रखना होता है. एक कॉपी हमारे पास होती है, एक बैंक के पास होती है, राइट. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट हैं वो बैंक के पास कंप्लीट हो. ठीक है, अगर आपकी कोई रिसिप्ट मिसप्लेस हो जाती है और इसमें अकाउंट नंबर मेंशन है, तो वहाँ थेफ्ट और एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके पास ऐसी इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप सिक्योरली अपने पास सेव करके रखें. ठीक है, यस मिस नाउ सपोज दैट योर कंपनी सेल गुड्स फॉर $10,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ टू एक्स वाई जी. यू रिसीव अ पेमेंट ऑफ 10,000 बाय चेक, ओके, अलॉन्ग विद अ रेमिटेंस एडवाइस. आई टेल यू वॉट इज रेमिटेंस एडवाइस, विच शोज एग्जैक्टली विच इनवाइस द चेक कवर्स. हमारे पास जो चेक हम पे करते हैं सप्लायर को, ठीक है, विद द चेक देर इज अ डॉक्यूमेंट अटैच, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस, जिसमें ये मेंशन हुआ हुआ होता है रेमिटेंस एडवाइस में कि हम फॉर एग्जाम्पल फैब की पेमेंट कर रहे हैं. तो ये रेमिटेंस एडवाइस में मेंशन होगा दैट फॉर विच पर्टिकुलर मंथ यू आर पेइंग ऑफ द अमाउंट. ठीक है, यू ये सिर्फ एग्जामिन. सप्लायर के लिए होता है, सिर्फ सप्लायर के लिए जो बिजनेस जो जी ऑर्डर करते हैं। एग्जैक्ट, जी, ये सप्लायर्स जो है वो रेमिटेंस एडवाइस चेक के साथ अटैच करके देते हैं बिजनेस को. बिजनेसेस अटैच करके देते हैं सप्लायर को, जो चेक उसके साथ ये रेमिटेंस एडवाइस अटैच होगी. यू एग्जामिन द चेक टू इंश्योर इट इज वैलिड. जब भी आप किसी से चेक रिसीव करें, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वैलिड, और आप उसे सिंपली डायरेक्टली क्या करें, सेफली जाके बैंक में डिपॉजिट करा लें. फिर उसकी क्लियरेंस और बाकी प्रोसीजर होगा. अ कुलीग रिकॉर्ड्स द चेक डिटेल्स एंड कंपेयर द अमाउंट ऑफ द चेक टू द रेमिटेंस एडवाइस. अगर चेक में 10,000 मेंशन है, तो रेमिटेंस एडवाइस में भी कितना मेंशन होना चाहिए, 10,000. तो एक पर्सन होगा जो इसको क्रॉस चेक करेगा कि जो इंफॉर्मेशन चेक में है एंटर हुई है दैट इज वैलिड एंड दैट इज सेम एज इन द रेमिटेंस एडवाइस. ओके, अब ओके बिजनेसेस मिस में थेफ्ट किस वजह से होते हैं कि अगर एक पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्रिपेयर द चेक, टू साइन द चेक, ठीक है, और यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बेसिकली मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड. ठीक है, ओके मतलब मिस एक पर्टिकुलर बंदा सारे काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड इन बिटवीन टू टू थ्री पीपल. तो वहाँ थेफ्ट के चांसेस या फ्रॉड के चांसेस भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं. और स्पेशली ये बैंकिंग सिस्टम में बहुत काम आता है कि ड्यूटीज डिवाइडेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हो. दिस विल सेव योर मनी फ्रॉम फ्रॉड या थेफ्ट के चांसेस आपके बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे. ठीक है मतलब डिपार्टमेंटेशन होती है। जी, एग्जैक्टली, डिपार्टमेंटेशन जैसे होती है. तो एक पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल है ऑथराइजेशन के लिए, तो दूसरा पर्सन चेक प्रिपेयर करें, तीसरा पर्सन उसको ट्रांसफरिंग और बाकी सारी चीजों को हैंडल करें. गॉट इट. अब यस डेफिनेशन ऑफ रेमिटेंस एडवाइस इज इम्पॉर्टेंट. उस्मान, इट्स क्लियर टू यू? यस मैम ओके,
रेमिटेंस एडवाइस आपको समझ आ गया कि एक डॉक्यूमेंट है जो हम चेक के साथ अटैच करते हैं, जिसमें डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि हमने किस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट करी। डेफिनेशन कैन बी आस्ड, ठीक है, फॉर ओके एमसीक्यूज ओनली दिस थिंग कैन कम। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है रेमिटेंस एडवाइस का, आपको शो किया हुआ टेम्पलेट। ओके अ रेमिटेंस एडवाइस शोज विच इनवॉइस अ पेमेंट कवर्स, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। बेसिस जब सप्लायर जब चेक रिसीव करेगा तो वो रेमिटेंस एडवाइस अपने पास रख लेगा और चेक जो होगा वो बैंक में डिपॉजिट करा देगा। फिर ओके ये जो प्रोसीजर है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सो लीव इट, बस इसमें यही सिंपल सी बात लिखी हुई है मैम, कि आप नीचे करके मैं मेंशन राइट कर लूँ उसको डेफिनेशन। या श्योर। ओके मैम, डन। ओके, प्रोसीजर्स टू कंपेयर रिसिप्ट विथ रेमिटेंस एडवाइस, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रीड इट, ठीक है। ओके चेकलिस्ट में यही मिस, बताया है कि हम कंपेयर करते हैं रिसिप्ट, जो चेक में अमाउंट लिखी है वो सेम होनी चाहिए एज एन रेमिटेंस एडवाइस, अदर देन दैट नथिंग इज आस्क्ड। नाउ ओके टिल रिसिप्ट और रिटन रिसिप्ट, रिसिप्ट बेसिकली क्या होती है कि हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हमें इन द एंड रिसिप्ट जनरेट होती है, ठीक है, और वो हमें मिल जाती है एज अ प्रूफ कि हमने पेमेंट कर दी, राइट। तो जब भी हम पेमेंट करते ओके हैं वी आर गोइंग टू रिसीव अ रिसिप्ट, जब भी हम शॉपिंग वगैरह जो कहीं भी जाते हैं तो रिसिप्ट हमारे पास एक रिकॉर्ड है दैट वी हैव मेड द पेमेंट। नाउ रिटेल शॉप्स पे क्या होते हैं, कैश रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होती है चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो कार्ड के फॉर्म में हो, कार्ड से करें हम, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास एक रिसिप्ट जनरेट होती है जो हम अपने कस्टमर्स को दे देते हैं, जिस रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ क्या होता है कि कौन सा आइटम परचेज करा है हमने और टोटल वैल्यू अमाउंट और अमाउंट कितनी पे की। नाउ अच्छा, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स इम्पोर्टेंट कि बिजनेसेस अपने पास कुछ चेंज रखें, मतलब ऐसे आपके पास 5,000 के अमाउंट है तो ऐसा नहीं हो कि आप बिजनेस के कस्टमर आपके पास चेंज ही नहीं, तो अपने कैश रजिस्टर में आपके पास एटलीस्ट इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए कि कस्टमर अनवॉय ना हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट भी आपके पास कैश रजिस्टर में नहीं होने चाहिए, वहां पर भी थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके मिस। जो भी अमाउंट आपके पास है कैश रजिस्टर में, सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो आप फिजिकली उसको काउंट करके करेक्ट अमाउंट आपके पास रिकॉर्ड में हो कि अभी मेरे पास $5,000 हैं, तो ये $5,000 हैं, मैं क्रॉस चेक करूँ वापस काउंट करके कि मेरे पास 5,000 ही हैं अभी, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे आपने कितना चेंज दिया है कस्टमर्स को, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक सी बात है। फिर हर रिसिप्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कोड नंबर होगा जिससे आइडेंटिफाइबल होगी, हर कस्टमर का नेम मेंशन होगा रिसिप्ट के ऊपर। अच्छा, ये हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास मेथड्स ऑफ पेमेंट है, सबसे पहला जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो है डेबिट कार्ड। अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, किसी को डिफरेंस पता है? दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मतलब डेबिट कार्ड जो है वो आई क्रेडिट गेस होता है पेमेंट। हमारा एटीएम, और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं मैम ये क्रेडिट क्रेडिट यूज पे, मतलब हम कर सकते हैं बैंक की तरफ से हमें क्रेडिट यूज के लिए मिल जाता है, जैसे हम उनसे उधार ले लें फिर मंथली पेमेंट में हम उनको दे दें। जी, वो था राइट। डेबिट कार्ड बेसिकली हम एटीएम में यूज कर सकते हैं टू विड्रॉ मनी, वी कैन यूज इट फॉर शॉपिंग, ठीक है,
डेबिट कार्ड हर कोई इजीली अवेल कर लेता है बैंक से, ठीक है, कैन अवेल फ्रॉम द बैंक, जो भी अकाउंट ओपन करता है उसकी चॉइस होती है, दे वांट दिस डेबिट कार्ड और नॉट। क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने, आपके अकाउंट में अगर 5 लाख की अमाउंट या 15 लाख की अमाउंट है तो ही ब्रांच क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, एक सर्टेन लिमिट होती है, ऑन दैट यू विल गेट द क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आपको बैंक 1 लाख देगा जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव मनी एंड यू वॉन्ट टू बाय द फर्नीचर, तो आप 1 लाख का फर्नीचर क्या करें, आप 1 लाख का फर्नीचर क्रेडिट कार्ड से बाय कर लें, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास जो बिल आएगा आप उस बिल को, सही है, तो क्रेडिट कार्ड में आपको मंथली बेसिस पे इश्यू हो जाता है, बैंक इस वक्त आपको पैसे दे देगा और फिर मंथ के एंड में आपको बिल रिसीव हो जाएगा जिससे आपको पे करना, ठीक है। डेबिट कार्ड इजीली हमारे लिए होता है, कैरी करना भी, हम हर चीज, सारी की चीजें डेबिट कार्ड से करते हैं मोस्टली। क्रेडिट कार्ड कम लोगों के पास ही होता है क्योंकि उसमें ये होता है कि बैंक आपको पैसे अभी तो दे रहा है लेकिन बिल आपने लाजमी पे करना है, ठीक है। बस ऑन डिमांड देते हैं बैंक हमें अमाउंट। जी, ऑन डिमांड, जी ऑन डिमांड नहीं देता, बेसिकली जब आपको चाहिए, आप समझे, एक 1 लाख डिपॉजिट करवाए आपने एडवांस में, ठीक है, आप 1 लाख यूज कर लेंगे फिर आपको बिल आएगा और आप पे करेंगे, बैंक आपको उधार दे रहा है एक तरीके ओके मिस। से। अच्छा, इन दोनों को जरा रीड करें। इलेक्ट्रॉन, इससे पहले मैं ये भी डिस्कस कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड क्या है, जो हम जैसे कि किसी भी मार्ट में जाते हैं या रिटेल स्टोर पे जाते हैं और वहां पर ऑन द पॉइंट जो भी ट्रांजैक्शन होती है और हम पे कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है। कार्ड स्वैप किया, ठीक है, आप कह सकते हैं वेबसाइट पे शॉपिंग करी, ईमेल कंफर्मेशन में OPTP कोड आता है एक आपके पास, ठीक है, उस कोड को एंटर करते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड कहलाता है। चेक इज वेरी इजी, यू नो कि चेक इज लाइक इट्स नॉट यूजली यूज, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, लाइक अकाउंट बैंकिंग ऐप्स हैं, हम डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक एंड सबमिट द चेक, ठीक है, वो लॉन्ग प्रोसीजर है। बैंकर्स ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है कि आप समझें कि आपने बैंकर्स ड्राफ्ट, अगर आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है जैसे, तो उसके लिए हमारे पास बनता है पे ऑर्डर, क्योंकि आप 50 लाख की अगर अमाउंट है तो 50 लाख की अमाउंट के लिए आप वो नहीं बनाएंगे, चेक नहीं प्रिपेयर करेंगे, बैंक उसके लिए प्रूफ मांगता है, ठीक है, सारी चीजें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, सो वी नीड अ बैंक, वी कॉल इट एज बैंकर्स ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ओके, इन मिस सब मतलब वो जो बैंक लाइक फॉर एग्जांपल हमारे मतलब अगर हमारे पास कोई प्लॉट है तो वो प्लॉट बैंक रख लेता है और हमें अमाउंट दे देता है, इस तरह इसमें अप्रूवल चाहिए होते हैं इस तरह के। नहीं, वो तो लोन होता है, बैंकर्स ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट, एक मेथड ऑफ पेमेंट है कि हम पे ऑर्डर बनाएंगे दूसरी पार्टी के नाम पे और हम अपने पास वो फॉर्म को मतलब फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखेंगे और बैंक को बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी की पेमेंट हम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके मिस। लेकिन ये सिर्फ बड़ी अमाउंट्स के लिए यूज होता है पे ऑर्डर, बाकी चेक्स, बाकी नॉर्मली चेक्स यूज होते हैं। इस पूरे टेबल को जरा रीड करें। ओके, हैव यू रेड इट यस मिस। उस्मान, हैव यू रेड इट? यस मिस।
सो हमारे पास ये कुछ मेथड्स ऑफ पेमेंट है. देर आर वेरियस ऑफ वेज अ कंपनी कैन रिसीव मनी, चेक, कैश, चेक एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स. अच्छा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी क्या होता है. फिर हमारे पास दिस इज, अच्छा ये जरा, होल्डिंग कैश क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड केयरफुल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड. वी ऑल नो व्हाट मनी लुक लाइक, बट व्हाट इज इट? कैश कैन प्राइजेस ऑफ नोट्स एंड कॉइंस व्हिच मेक अप द लीगल टेंडर ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सबको पता है कि होल्डिंग बेसिकली इन पाकिस्तान इट्स रियली डिफिकल्ट, या कि आप इतना सारा कैश लेके घूमें. ठीक है, इट्स नॉट सेफ एट ऑल. तो कौन, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर कैश इन हैंड अपने पास रखते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकते हैं? सिक्योरिटी तो मेजर इशू है ही, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं यहाँ पर इन्होंने. फ्रॉजरी, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ. फ्रॉजरी, और मुझे बताएं क्या समझ आ रहा है आपको इससे. फ्रॉजरी और थेफ्ट दोनों रीड करें जल्दी से. मिस मतलब फ्रॉजरी में मतलब ये बता रहे हैं कि वो मतलब डिसेव कर सकते हैं उसके बैंक को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब अगर जैसे फेक नोट बनाकर, या फिर जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें। बेसिकली इट्स लाइक फेक नोट्स. ठीक है, ये बहुत कॉमन है. फ्रॉजरी इज वन ऑफ द रीजन कि अगर आप कैश इन हैंड अपने पास रखते हैं तो आपको फेक नोट्स कोई पकड़ा सकता है आराम से. ठीक है, और फूल बना सकते हैं. राइट, तो इट्स इसलिए बैंक्स में आपने देखा होगा या मोस्टली बिजनेसेस के पास एक मशीन होती है जिससे वो इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये फेक नोट है. ठीक है, फिर थेफ्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. अगर आपने लाइक बिजनेस में इतना सारा कैश रखा हुआ है तो आपके एम्प्लॉयज ही हो सकता है कि आप, एम्प्लॉयज की तरफ से भी हो सकता है कि आपके पास रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कि आपका कैश जो है वो चोरी हो सकता है. कैश रजिस्टर जहाँ आपने कैश रखा हुआ है, ठीक है, बिजनेस में, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव द कीज टू ऑपरेट इट. ठीक है, स्टाफ ट्रेन होना चाहिए और स्टाफ से आपको सिक्योर, आपने अपना जो कैश है वो सिक्योरली रखना है. ठीक है, उस कैश रजिस्टर में, मतलब आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है. ओके, आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड दिस. सेफ, प्रोटेक्टिव ग्लास और स्ट्रॉन्ग बॉक्स, दिस इज इजी, यू कैन इजिली गो थ्रू इट. ठीक है, इसको रीड करें फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ. ओके, सो सेफ, इफ पॉसिबल कैश शुड बी रिमूव फ्रॉम द टिल रेगुलरली एंड स्टोर्ड इन अ सेफर प्लेस.
ठीक है, हमें ये देखना है कि वेयर आर कैश शुड बी सेफ, कुड बी सेफ, तो हम अपना कैश जो है उसी सेफ जगह पे रखेंगे और वहां पर हम टाइट सिक्योरिटी लगाएंगे, जैसे कंपनीज में होता है सेपरेट प्लेस पे कैश हमारा है और वहां हमने सिक्योरिटी, हमारी अच्छी खासी सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए. वी शुड हैव सेफ कीज ओवर देयर. प्रोटेक्टिव ग्लास जो बैंक में कैशियर के पास कस्टमर और कैशियर के बीच में एक ग्लास स्क्रीन लगी हुई होती है, प्रोटेक्टिव ग्लास लगा हुआ होता है कि हमारे पास थेफ्ट के चांसेस कम हो और हमारे कैशियर की सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग बॉक्स. स्ट्रॉन्ग बॉक्स इज बेसिकली जिसमें आपके बैंक में कैश ट्रांसफर हो रहा होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है, वो इजिली ब्रेकेबल नहीं होता. ठीक है, तो हम अपने कैश को सिक्योरली या करता है बैंक जब कैश मंगवाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे हेड ऑफिस से कैश आ रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स में आएगा जो कि इजिली ब्रेकेबल नहीं है. सही है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम मनी जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉक्स में से रिमूव कर लेते हैं. सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मेरे कलेक्शन. स्ट्रॉन्ग बॉक्स बेसिकली बेसिकली मतलब गाड़ियों में होता है। एग्जैक्टली, जो गाड़ियों में कैश आता है बैंक्स में वो एक कह सकते हैं आप. ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड कलेक्शंस जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक सेफर लोकेशन में अपना कैश कंपनीज रखती हैं, ठीक है, और वहाँ हो सकता है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी फर्म्स को भी हायर करें, ठीक है, ताकि उनके पास जो है थेफ्ट के चांसेस मिनिमाइज हो जाए. और कुछ बैंक्स ऐसे करते हैं, मैंने बिजनेस फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बैंक मनी ड्यूरिंग नॉर्मल बैंकिंग आवर्स. मोस्ट बैंक्स विल प्रोवाइड अ की टू देयर नाइट सेफ. When the lid is unlocked and opened, it exposes only a small space in which the cash is deposited. Once the lid is closed, the cash drops into a larger secure area within the bank. अच्छा, ये एक प्रॉपर सिस्टम है बनाया है, ठीक है, कि अगर हम नॉर्मल बैंकिंग आवर्स में बैंक नहीं कर सकते कैश, तो हम नाइट सेफ लगा दें, मतलब एक लिड है वो अनलॉक हो जाए, कैश डिपॉजिट वहां करें और फिर वो लिड हम क्या करें, क्लोज कर दें. ठीक है, और जो भी कैश इन हैंड हमारे पास है, मतलब अभी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें बैंक में डिपॉजिट करवा दे तो वो हमारा कैश वहां ज्यादा सिक्योर रहेगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? यू शुड जस्ट नो दीज मेथड्स ऑफ पेमेंट. मिसो जो लेदर सिक्योरिटी होती है, हाँ, आप कह सकते हैं. चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ठीक है, आपको पता है कैश चेक पे क्या क्या मेंशन होता है, डेट, साइन ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये सब चीजें. अच्छा, वन मोर थिंग, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द वन हु प्रिपेयर्स द चेक इज नोन एज. द वन हु प्रिपेयर्स द चेक इज नोन एज ड्रॉअर और पेयर. ठीक है, जैसे अगर मैं किसी को चेक दे रही हूँ तो व्हाट आई विल बी कॉल्ड, ड्रॉअर और पेयर, द वन हु इज प्रिपेयरिंग द चेक. ठीक है, मुमकिन एंड द वन हु रिसीव्स इज नोन एज ड्रॉई और पे. द वन हु रिसीव्स द चेक. ये आपको याद रखना है. फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की आपको एक पिक्चर शो की हुई है. वीजा कार्ड होता है हमारे पास, मास्टर कार्ड होता है. कार्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, कार्ड नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है. ठीक है, क्रेडिट कार्ड हम सप्लायर को पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम कोई गुड्स खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई. अच्छा, फिर हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड के अलावा हमारे पास जो मेथड्स ऑफ पेमेंट है, वी हैव कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट. ओके
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट से कोई चीज़ शर्ट परचेज करें तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी एंटर करेंगे और पेमेंट कर देंगे, दैट इज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ठीक है, मतलब आप फेस टू फेस जो है फेस टू फेस जो है वो आपने बिजनेस से नहीं मिले और आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर कर, या इसको आप कह सकते हैं ये, क्योंकि हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया, हम सिर्फ डायरेक्टली पेमेंट करें हमने डेबिट कार्ड के थ्रू। मोबाइल पेमेंट्स क्या होती हैं, जो हम बैंकिंग, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में इजी पैसा, ठीक है, और बैंकिंग एप्स हैं उसके थ्रू हम पेमेंट्स कर देते हैं, वो मोबाइल पेमेंट्स आप कह सकते हैं, होती है। EFTPOS इज अ मीन ऑफ अलाउइंग अ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इमिजिएटली ऑन कस्टमर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वाइल एट द सेम टाइम टाइम ऑथराइजिंग द ट्रांजेक्शन, जो कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस पे होती है। जैसे कि हमने ग्रॉसरी बाय करी तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, EFTPOS टर्मिनल पे जाकर अपनी डेबिट कार्ड या जो भी क्रेडिट कार्ड है उस पे पेमेंट, उसके थ्रू पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें कोई जो है, इसकी कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ, इसके फुल फॉर्म है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसके फुल फॉर्म हो सकता है आ ओके ओके जाए, तो यू शुड नो इट फॉर MCQ। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर नॉट सच। उस्मान? ठीक है, फिर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अदर रिसिप्ट, ये बैंकर्स ड्राफ्ट की एक एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, डिसऑनर चेक मैं बता देती हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मैम एट में मैम बताऊँ। जी, इसकी फुल फॉर्म दोबारा रिपीट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी फंड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है मैम। अच्छा, फिर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, लीव दैट। एक चीज मैं इसमें और बता दूं, इस चैप्टर में एक डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक बेसिकली क्या होते हैं, द चेक दैट इज नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको चेक दिया 15,000 का, ठीक है, और उस पर्सन के अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिसऑनर चेक कह सकते हैं कि व्हेन यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से हमारा चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, उसको हम डिसऑनर चेक कहते हैं। मतलब इस तरह से हमें अमाउंट बड़ी भेजनी है, अमाउंट हाँ, दूसरे को डिपॉजिट, बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, लेकिन हमारे पास फंड इतने नहीं है, उस अमाउंट के जितने फंड नहीं है बस। एग्जैक्टली, तो बैंक बाउंस हो जाएगा चेक आपका। ओके और इसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है कि आपने किसी को फ्रॉड चेक दे दिया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ जाता है। ओके अच्छा, इस चैप्टर में एसेट्स कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। चैप्टर 6 भी बहुत बेसिक सा है, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, ये भी छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, ये कुछ बैंकिंग सिस्टम है जो यूके में है या इंग्लैंड में है, इसके नेम्स दिए हुए, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं BACS, ठीक है, बैंकिंग ऑटोमेटेड, ये MCQ होता है, क्लियरिंग सिस्टम, बैंकिंग ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, अब ओके मिस। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस मिस। उस्मान, हैव यू नोटेड डाउन? सिर्फ यूको में ही होता है ये? नहीं, ओवरऑल सब जगह।
ये सिस्टम है ओके ना, बैंकिंग सिस्टम है, तो ये सब जगह यूज होता है। अच्छा, ओके यहाँ पर अब ये जो बैंकिंग ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम है, हमें ये देखना है कि एक मैकेनिज्म चलता कैसे, मतलब पेमेंट्स किस थ्रू किस तरह होती है जब हम कोई चेक डिपॉजिट कराते हैं। ये इन्होंने पूरी आपको एक स्टोरी सुनाई हुई है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एक सिनेरियो बता रही हूँ जिसके लिए आपका कवर हो जाएगा। देखें, अब सिंपली क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, ठीक है। मिस्टर बी का अकाउंट है बैंक टू में एंड मिस्टर ए का अकाउंट है बैंक वन में। मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के सप्लायर एंड ही नीड्स टू पे 50,000 टू मिस्टर बी, ठीक है। अब क्या होगा, मैम, मिस्टर ए सॉरी बैंक के डिफरेंट मैम, मैं पूछ रहा हूँ, सेम बैंक है डिफरेंट बैंक है इसमें सिनेरियो में? डिफरेंट डिफरेंट बैंक है ना, बैंक वन नाम दे दिया मैंने और बैंक टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मीरान बैंक है अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, और ये ओके दूसरा है HBL है, ठीक है। अब क्या ठीक होगा, है सबसे पहले मिस्टर ए ने बैंक वन में चेक डिपॉजिट कराया 50,000 का, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने भी बैंक वन के चेक्स होंगे, जितने भी चेक्स होंगे, 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल 10 चेक्स हैं, अब ये जो 10 चेक्स हैं ये हमारे पास सबसे पहले जाएंगे हेड ऑफिस में, सही है। पहले चेक सारे जाते हैं हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बाद ये चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके रिस्पेक्टिव बैंक्स में। लेकिन ये जो हेड ऑफिस जाके चेक्स फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी बैंक है, बैंक वन में, बैंक टू में, बैंक थ्री में, इसमें लगते हैं 2 to 3 days, ठीक है। जब भी जो चेक क्लियरेंस है उसमें 2 to 3 days लगते हैं, हेड ऑफिस से अप्रूवल हो गया, ऑथराइज हो गए, सारे चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2 3 दिन बाद जाके दूसरे पर्सन के अकाउंट में, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो चेक क्लियरेंस में इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, सही है। जैसे आपको भी कोई चेक देगा बोलेगा 2 दिन बाद कैश करवा लेना, सो वाई, क्योंकि एक तो डेट का होता है कि डेट उन्होंने उस दिन की डाली होती है, दूसरी चीज ये होती है कि जो भी चेक्स हम डिपॉजिट कराते हैं उसको एटलीस्ट क्लियरेंस में आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस एग्जाम, अच्छा यस ये मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बता दी। हमारे पास रिटेल बैंकिंग होती है, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, मतलब फॉरेन करेंसीज में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पास होम इंश्योरेंस, लोन्स, बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज ऑफर करता है। अब हम बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप को देखते हैं। अब बैंकर हैज डिसाइडेड टू बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्यूज एंड केस लॉ, वेयर वन पर्सन और कंपनी टेक्स अनदर पर्सन और कंपनी टू कोर्ट फॉर टू रिजॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अच्छा देखें, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पर्सन है अली, ओके। अली जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता है 20,000, सही है। बैंक में कितने डिपॉजिट करवाए? 20,000। तो ये जो 10 20,000 डिपॉजिट करवाए, ये अली के लिए क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यस तो अली के लिए बैंक डेबिट होगा। बट यस मिस कैश क्रेडिट नहीं, अली के लिए बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट, वो अलग चीज है, ठीक है। एक तो ये है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अली, लेकिन के लिए ये एक लाइबिलिटी है या क्रेडिट हो, क्योंकि जब भी अली जाएगा दे नीड्स टू पे हिम बैक। हम बैंक में पैसे यस डिपॉजिट मिस यही करवाते हैं ना, कि हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं, जब भी हम जाएंगे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट द बैंक इज गोइंग टू पे अस। तो हमारे लिए जैसे मिरर में मेरे लिए ये राइट है और ऑन द ऑपोजिट साइड इट्स लेफ्ट, उसी तरह बैंक और कस्टमर में जो बैंक हमारे लिए डेबिट है वो कस्टमर के लिए क्या है, क्रेडिट, और जो बैंक के लिए क्रेडिट है वो कस्टमर के लिए क्या है, डेबिट, मतलब वाइस वर्सा। अगर कस्टमर बैंक से ओके लोन ले रहा है तो
तो वो बैंक कस्टमर के लिए लाइबिलिटी है लेकिन बैंक के लिए एसेट है। लेकिन अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो कस्टमर के लिए डेबिट है और बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, इज दैट क्लियर? यस मिस, यस मैम। ओके। अ बैंकर इज समवन हु विल डू द फॉलोइंग, पुट मनी एंड चेक्स रिसीव्ड ऑन कस्टमर्स बिहाफ इनटू देयर अकाउंट। ठीक है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बैंकर की, कि जो हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं वो सेफली उसके अकाउंट में डिपॉजिट करें। ठीक है, जो भी पेमेंट्स हैं वो हमारे बिहाफ पे बैंक करेगा। कीप अकाउंट सच एज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे पास होते हैं। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बहुत बार हमने सुना भी है कि यू डू नॉट हैव टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनी अदर पर्सन, आइदर ऑन कॉल और इन अदर वे। आप किसी भी अनऑथराइज पर्सन को या किसी भी पर्सन को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हमारे पास बहुत बार टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स भी आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्रॉड के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? या जो भी आपके पिन है, जैसे कि ओके डेबिट कार्ड पिन है, आप वो किसी को ना दें, आप एटीएम पिन किसी को ना बताएं, अकाउंट नंबर, पर्स, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी को आप ना दें। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अच्छा अभी हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप से पहले मैं चाह रही हूँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसको, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पेमेंट बाय अ कस्टमर? व्हाट डू यू थिंक, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम बी चेक गारंटी कार्ड या एग्जैक्टली, बी इज द मिस राइट, बी चेक गारंटी कार्ड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर कैश बैंकिंग? नाइट सेफ, इज इट सिक्योरिटी प्रोसीजर? मिस आई थिंक सी इज द आंसर। ओके, वेट मिस, एक मिनट। फ्रीक्वेंट बैंकिंग इज ऑल्सो आई थिंक। इस्मान विच ऑप्शन डू यू थिंक? लेकिन मिस आई थिंक टू थ्री सिक्योर, एंड फोर है ए आंसर। आई थिंक टू थ्री एंड फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर कैश बैंकिंग? सी, इट शुड बी बी, कैश बैंकिंग का मतलब कि आप कैश बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल क्या है और सिक्योरिटी प्रोसीजर मतलब सिक्योर सबसे ज्यादा क्या है इसमें से, नाइट सेफ और सिक्योरिटी फर्म्स कलेक्शन? बाकी दो भी हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेम टाइम में भी आप कर सकते हैं, मतलब डे टाइम में भी कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोसीजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास नाइट सेफ है और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी फर्म्स कलेक्शन। क्या आपने एक्सटर्नल सिक्योरिटी हायर करी हुई है जो आपकी कैश का
ये मैं इंश्योर कर रही है कि क्या सेफली डिपॉजिट या ट्रांसफर हो जाए। अज्यूम यू आर सेलिंग गुड्स विच हैव अ हाई वैल्यू टू अ कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मोर पेमेंट इज मोर सिक्योर। हाई पेमेंट्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? चेक मिस बैंकर्स ड्राफ्ट। देखिए, हाई पेमेंट्स की बात मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास हाई पेमेंट है, जैसे 50 लाख या 40 लाख की पेमेंट है, या कोई कस्टमर को आप हाई अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो हमारे पास बैंकर्स ड्राफ्ट होगा, क्योंकि चेक के थ्रू कभी भी कोई वो चेक का हुआ डिसऑनर कंसिडर कर दिया जाएगा। एक गारंटीड लिमिट होती है चेक में कि इससे ज्यादा का चेक आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो हाई वैल्यू के लिए वी के यूज बैंक मिस। ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑन अच्छा चले, हमने ये भी डिस्कस ही किया, चेक गारंटीड कार्ड हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एन EFT POS। विच वन डू यू थिंक? मिस ए मिस फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ ट्रेडिंग पीरियड। सी, फंड्स आर ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस बैंक। ऐसा ही होता है ना, वेबसाइट पे जब हम शॉपिंग करते हैं या हम कहीं भी जाके शॉपिंग करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाती है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। द ऑर्गेनाइजेशन कैन इनवॉइस इट्स बैंक। इनवॉइस हम यहाँ नहीं करते, यहाँ ऑटोमेटिकली फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, व्हाट इज द बैंक क्लियरिंग सिस्टम? ये सिंपल ए में वही डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है। इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग पेमेंट्स फॉर चेक्स। ठीक है, अब मैंने डिसऑनर चेक, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिसऑनर चेक डिटेल में। उसके अलावा हमारे पास मिस ये रिविजन करके ये क्वेश्चन है। जी जी ये रिवीजन कट है। ओके, वी हैवन डिस्कस्ड द अदर वंस। दिस वन यू कैन डू। व्हाट इज रेमिटेंस एडवाइस? ओके मिस ए है इसका आंसर। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी शो होते हैं रेमिटेंस एडवाइस में। चेक में क्या क्या मिस इम्पोर्टेंट? मिस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेरे इसके अलावा डी लग रहा है मुझे। सी, अ डॉक्यूमेंट सी सेंड मैम सी हम्म, अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सेंड विद द सेंडिंग विद द पेमेंट रिप्रेजेंट। व्हाट आर पेमेंट रिप्रेजेंट? मैंने बताया ना, चेक के साथ अटैच करके डॉक्यूमेंट हम सेंड करते हैं, तो उसमें यस मेंशन मैम होता है कि हमारे चेक के साथ कि हमने कौन सी इनवॉइस की पेमेंट की है। ओके ओके मिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ सो दैट नो वन पर्सन हैज ओवरऑल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया कि ड्यूटीज डिवाइड होंगी तो हमारे पास चांसेस भी कम होंगे थेफ्ट और फ्रॉड के। सो विच वन डू यू थिंक? ड्यूटीज डिवाइड होंगी तो उसके लिए क्या हमारे पास होगा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। गुड, डी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड इट टिल हियर एट लीस्ट। ओके, फिर इन द नेक्स्ट क्लास वील कंप्लीट दिस चैप्टर एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके, बट प्लीज श्योर दैट यू गिव इट अ रीड दिस ओके चैप्टर एंड देन वील कंप्लीट द अदर वन एज वेल।
ठीक है, हम दो दो चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे साथ में, क्योंकि ये जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, इसमें सिर्फ बेसिक सी चीज़ें आपके लिए, आपको पता है बहुत सारी ऐसी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स किस वे में होती है, सिक्योर किस तरह हम अपना जो है वो कैश, मतलब सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ठीक है, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। सो चैप्टर 6 एंड 7, चैप्टर 6, स्टार्ट विद चैप्टर 7 इन द नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चंस? नो मैम, ओके, देन रिवाइज टिल हियर एंड यू गाइस, ओके, मोतेशाम यू अपीयर प्रिपेयर, आई हैव गिवन यू द डेडलाइन, सो प्लीज ट्राई टू गिव द टेस्ट यस बिफोर द मिस, डेडलाइन, ओके? या टिल 8 फेब, ओके, ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़। लव यू।